Welcome to my channel, Biological World. In this video, we will discuss the structure of eye of frog. So let's start. Structure of eye of frog. आज हम इस वीडियो में फ्रॉग की आई को डिस्कस करेंगे. आई क्या है? आई एक सेंस ऑर्गन है. कौन से सेंस? सेंस ऑफ साइट. फ्रॉग के पास दो आईज होती हैं, दो बल्जिंग आईज यानी के बड़ी बड़ी और सूजी हुई. अब हम फ्रॉग के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि फ्रॉग की आई का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है. तो आई ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. फ्रॉग की जो आई होती है वो कंसिस्ट होती है कुछ पार्ट्स पर. नंबर वन रेटिना, नंबर टू कोरोइड, नंबर थ्री स्क्लेरोटिक, नंबर फोर कॉर्निया, नंबर फाइव आयरिस, नंबर सिक्स लेंस, नंबर सेवन एक्वियस ह्यूमर, नंबर एट विट्रियस ह्यूमर एंड नंबर नाइन ऑप्टिकल नर्व्स. अब हम इन सब पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि आई कैसे वर्क करती है, कैसे इमेज की फॉर्मेशन होती है आई में. तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है आई का वो है रेटिना. इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल. इट कंटेन्स फोटो रिसेप्टर सेल्स. रेटिना जो है वो आई बॉल की सबसे इनर मोस्ट लेयर है यानी कि सबसे जो एंड में पाई जाने वाली लेयर वो रेटिना है. रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं और रेटिना में ही इमेज की फॉर्मेशन होती है. तो रेटिना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आई का. नंबर टू है कोरोइड. कोरोइड इज द लेयर आउटसाइड द रेटिना. इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स टू द रेटिना. कोरोइड जो है वो लेयर है रेटिना के बाद. रेटिना के बाद जो लेयर होती है वो कोरोइड की होती है. कोरोइड जो होता है वो रिच होता है ब्लड कैपिलरीज में. ये क्या करता है? ये न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है रेटिना में. तो जो कि इनर मोस्ट लेयर है आई बॉल की, इसमें क्या होता है? इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं और इसमें इमेज की फॉर्मेशन होती है. रेटिना के बाद जो लेयर होती है वो होती है कोरोइड की. कोरोइड जो है वो ब्लड वेसल्स पर कंसिस्ट होती है और ये क्या करती है? ये रेटिना को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है. नेक्स्ट पार्ट है आई का स्क्लेरोटिक. इट इज़ द हार्ड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एयर. इट प्रोवाइड्स शेप टू द आई बॉल. स्क्लेरोटिक जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है यानी कि आई की जो सबसे बाहर वाली लेयर और ये बहुत हार्ड लेयर है. ये क्या करती है? क्योंकि ये हार्ड है तो ये शेप प्रोवाइड करती है आई बॉल को. स्क्लेरोटिक के बाद है कॉर्निया. इट इज़ द एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई. कॉर्निया जो है वो एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का. एंटीरियर यानी कि सबसे पहले या सबसे आगे. तो हमारे पास है ये स्क्लेरोटिक जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है आई की. ये क्या होती है? ये बहुत हार्ड होती है जिसकी वजह से तो ये क्या करती है? ये आई बॉल को शेप प्रोवाइड करती है. स्क्लेरोटिक के बाद है कॉर्निया. कॉर्निया जो है वो एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का.
नेक्स्ट पार्ट है आई का आयरिस। आयरिस इज बिहाइंड द कॉर्निया, इट हैज विंडो कॉल्ड द प्यूपिल। आयरिस जो है वो कॉर्निया के बाद होती है। आयरिस पे एक विंडो होती है जिसे प्यूपिल कहते हैं। फिर है लेंस। लेंस इज बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के बाद लेंस होते हैं। लेंस क्या करते हैं, ये लाइट को फोकस करवाते हैं रेटिना पर। तो ये है आयरिस। इस आयरिस पर एक विंडो होती है जिसे प्यूपल कहते हैं, बिल्कुल एक होल टाइप की विंडो होती है, होल। फिर इस आयरिस के पीछे, सॉरी, इस प्यूपल के पीछे लेंस होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आई का एक्वियस ह्यूमर। इट इज़ द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस। एक्वियस ह्यूमर जो है वो एक फ्लूइड होता है जो कि प्रेजेंट होता है कॉर्निया और लेंस के बिटवीन में। फिर इसके बाद है विट्रियस ह्यूमर। इट इज़ अ फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड रेटिना। विट्रियस ह्यूमर जो है वो भी फ्लूइड है जो कि प्रेजेंट होता है लेंस और रेटिना के बिटवीन में। आई का जो लास्ट पार्ट है वो है ऑप्टिकल नर्व्स। दे कैरी द नर्व इम्पल्सेस टू द ब्रेन फ्रॉम आई। ऑप्टिकल नर्व जो होती है वो आई से नर्व इम्पल्सेस लेकर ब्रेन तक पहुंचाती है। जैसे कि हमने ईयर के स्ट्रक्चर में देखा था, उसमें ऑडिटरी नर्व थी और ऑडियो से निकला है ऑडिटरी नर्व, वो सेंस ऑफ हियरिंग यानी कि जो हियरिंग इम्पल्सेस होते हैं उनको ब्रेन तक लेकर जाती है। उसी तरह ऑप्टिकल नर्व्स, हमने देखा था कि ऑप्टिक जो वर्ड है वो रिलेट करता है आई से, तो इसलिए उस नर्व को ऑप्टिकल नर्व्स का नेम दिया गया कि ये आई की जो इमेज होती है रेटिना पर, जो इमेज होती है रेटिना में क्या होते हैं, रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं। अब हम देख लेते हैं वर्किंग ऑफ आई, कि आई कैसे वर्क करती है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर आई पर पड़ती है, तो लाइट कॉर्निया, प्यूपिल, आयरिस से गुजरकर लेंस में जाती है। लेंस उस लाइट को रेटिना पर फोकस करवाता है, तो जो लाइट होती है वो विट्रियस ह्यूमस से होकर रेटिना में जाती है। उस रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं और उधर इमेज की फॉर्मेशन होती है। फिर वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और फिर ब्रेन वो और फिर ब्रेन उस इमेज को डिटेक्ट करता है कि ये कौन सी इमेज है। तो इस तरह आई वर्किंग करती है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ आई और वर्किंग ऑफ एन आई। आई क्या है, आई एक सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑफ साइट। Thanks for watching. Please subscribe and like my video. Allah Hafiz.